देखो सूत्र है जो लेके पूछा गया है उस लेके सूत्र लगाना है आप। कहते हैं लेस प्लेयर का P1 Q0 P0 Q0, मतलब ये तो वन और जीरो रहेगा, आगे पीछे क्या आएगा, केवल जीरो आएगा, मतलब मात्रा कौन सी होगी आपके आधार वर्ष की होगी। इसमें यही सेम है, फर्क है पीछे क्या होगा, मात्रा कौन सी वर्ष की होगी आपके चालू वर्ष की होगी, और प्राइस मूल्य चेंज होता रहेगा। ये हर एक में सही है, मतलब के ऊपर P1 नीचे क्या आएगा P0 आएगा। अब इधर वाला चेंज, इधर वाला फिक्स होता है, या तो दोनों 0 0 या दोनों Q1 Q1 हो जाएगा। ये तो है लेस पेयर का और ये है पास्ट छे का, ज्यादातर इन तीनों को पूछते हैं। लेस पेयर का ये है, पास्ट छे का ये है, और दोनों को गुणा करके अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपके फिशर का, मतलब ये वाला यहाँ लग गया, ये वाला यहाँ लग गया। इसमें दो दो बार सोया है इसलिए इसका गुणा अंतर हो जाएगा, ताकि दो संख्या गुणा होकर 12 आ जाएगा, एक ही मतलब है। तो ऐसे करो तो ऐसे करो। फिर है मासल का इंडेक्स नंबर है, वही P1 ऊपर Q0 नीचे, बाकी सेम दिख रहा है आपको। या आपके बाहुल्य का वही, जो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, इसका आधा करके 100 से गुणा करना है, या सीधे 100 सीधे 50 से गुणा कर लो, दो का भाग आता है इसमें, ये उत्तर आएगा, उसका आधा करेंगे फिर भाग देंगे 100, फिर गुणा करेंगे 100 से। फिर ये वाला है आपके वॉल्स का आप वही, ये जो सेम होते हैं, ये वाला कौन सा जो यहाँ लगा हुआ है सेम, ये वाला यही लगा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज है Q0 Q0, थोड़ा बहुत चेंज सब में दे रखा है। या आपके मात्रा केवल एक ही होती है, जब केली का पूछा जाए तो एक ही मात्रा होगी, इसमें सवाल ही अलग ही आएगा उसका। फिर क्वांटिटी का, क्वांटिटी में उल्टा होता था, ध्यान देना है क्वांटिटी वाला। इन सबको तो बोलते हैं P01, मतलब प्राइस इंडेक्स, और इसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स का, मतलब Q01, मतलब कि ये वाले जो सेम दिख रहे हैं उसकी जगह क्या है, पी वाले सेम हो जाएंगे, मतलब पी वाले सेम आएंगे, और ये वाले क्या चेंज, मतलब कि इसमें ये सब तो है प्राइस इंडेक्स, मतलब मूल्यों का है, और ये है आपके मात्राओं का है, तो मात्राएं चेंज होगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगा। इसमें क्या है आपके मात्राएं चेंज होती, इसमें आपकी मात्राएं चेंज होती है, यानी कि मात्रा फिक्स रहती मूल्य में, और मूल्य परिवर्तन होते हैं, तो मात्रा का कहा जाए तो मात्राएं आगे परिवर्तन होगी लेकिन मूल्य क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये लगाओ चाहिए लगाओ दोनों एक ही चीज है, इसको बोलते हैं Q01। फिर है वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसमें आपके केवल वैल्यू को पूछा जाए तो ऊपर दोनों सेम, नीचे दोनों सेम, 1 1 ऊपर 0 0 नीचे, ज्यादातर 1 0 से भी याद कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आपसे तीन सवाल है, 18वां 19वां 20वां, तीनों में फिशर का ही पूछा है, क्यों फिशर का, मतलब ये वाला फिशर का आदर्श सूचकांक, ज्यादातर यही पूछते हैं एग्जाम में, और ये कुछ भी ले तो आगे आता है लेस पेयर का, पीछे आता है पास्ट छे का, दोनों अंडर रूट निकाल सकते हो। फिर आ जाओ 2011 मतलब आधार वर्ष, पिछला वर्ष आधार वर्ष, अगला वर्ष क्या हो जाएगा आपके चालू वर्ष, तो देखो आधार वर्ष का क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, और चालू वर्ष क्या आता है आपके 1 आएगा, तो हम लोग सारे याद करने, पहले आएगा ये वाला P1 Q0 P1 Q0 P1 Q1, फिर आएगा आपके P0 Q0 और P0 Q1, मतलब ये दोनों सेम यहाँ पर, ये अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग अलग, चारों याद करने। सबसे पहले P0 Q0, ये P1 Q0, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आता है 45 60 12 96 24। फिर P1 Q1, मतलब ये दोनों गुणा 45 48 24 72 और 72। फिर है P0 Q0, ये दोनों 30 60 12 64 और 24। फिर P0 Q1, P0 ये रहा P0 और ये रहा Q1, लास्ट वाले 10 30 48 24 48, और कितने हो गए आपके 72। अब जोड़ो सबको, 45 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 96 प्लस 24, ये होगा आपके 237। 45 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 144, ये होता है 261। 90 प्लस 12 प्लस 64 प्लस 24, ये होता है 190।
तीस प्लस अड़तालीस प्लस चौबीस प्लस अड़तालीस प्लस 72, ये आता है 222। अब याद करेंगे फिर से, आज सोचा P01 याद करना है, प्राइस इंडेक्स सूत्र क्या क्या करेगा वो, सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 बटा सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू क्या कर देंगे 100, मतलब 237 इंटू 261 बटा 190 इंटू 222 का अंडर निकालेंगे इंटू 100। 237 इंटू 261 भाजक 190 भाजक 222, सबका गुणा भाग करने के बाद उत्तर आएगा उसका निकालेंगे अंडर रूट, फिर गुणा कर देंगे 100 से आएगा 121.099। याद है, या एक भी कह सकते, 121.1 भी कह सकते, एक ही बात है। फिर यहाँ देखो 11 मूल्य, पहले का मूल्य है तो जीरो, पहले मूल्य जीरो आएगा, बाद क्या आएगा 1 आएगा। अब यही चलो लिखने आपको P1 के साथ दोनों ही, फिर P0 के साथ भी दोनों सेम है, फिर यही आपके यही आप P1Q0 P1Q1 P0Q0 P0Q1 कर लोगे, ऐसे ही सारे ऐसा गुणा करके ऐसे जमाना है उत्तर आ जाएंगे, तीनों ऐसे एक जैसे ही, कोई फर्क नहीं तीनों में।